सुमित ने साफ साफ कह दिया, भाई साहब मैं बैंक की नौकरी में हूँ जहाँ एक पैसा भी ऊपरी आमदनी का सवाल नहीं है, और आप जानते हैं लोन लेकर मैंने अभी नई गाड़ी खरीदी है। इतने पैसों का इंतजाम मैं कहाँ से कर सकता हूँ? आपका इरिगेशन विभाग तो काम घेलू गाय है भाई साहब, कुछ उधर से क्यों नहीं दूंगते? भाई की बात पर अमित उखड़ गया था। तुम क्या समझते हो मैं घूस की कमाई पर अपना परिवार चलाता हूँ? दिन रात एक पैर पर खड़े रहकर साइट देखना पड़ता है, एक इंजीनियर की मेहनत का अंदाजा नहीं लगा सकते तुम। मैं खूब समझता हूँ भाई साहब, जो व्यक्ति 30 लाख रुपए की जमीन लिखा सकता है, साली की शादी में पूरे विवाह का खर्च उठा सकता है, वह माँ के ऑपरेशन के लिए 3-4 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर सकता? माँ के सामने सुमित के इस तरह आक्षेप से अमित आग बबूला हो उठा था। वह भाई की तरफ आग्नेय नेत्रों से देखता हुआ चीख पड़ा, बड़े भाई को जलील करता है बेशरम, जलील करता है बेशरम। बीवी को सैर कराने के लिए गाड़ी खरीद सकता है, पर बीमार माँ के लिए पैसा नहीं निकाल सकता? गैरत खोर कमीना कहीं का। मैं तो उस दिन ही समझ गया था तुझे, जिस दिन तूने मुझे माधोपुर के मकान को बेचने के लिए उकसाया था। मन चढ़ी बीवी के लिए नई गाड़ी और नया फ्लैट एक साथ खरीद सकता है तू, पर माँ के लिए पैसा नहीं निकाल सकता, क्यों? दोनों भाइयों के बीच का यह निर्मम वाक युद्ध कृष्णा की छाती में नुकीले खंजर की तरह चुभ रहा था। अपने जीवन के प्रति उसे अजीब सी विरक्ति हुई थी उस दिन। आखिर ऑपरेशन के बाद मैं जीवित रहकर भी क्या करूँगी? क्या उपयोगिता है इस जीवन की? मुझे लेकर इनके बीच आज जो विवाद खड़ा हो गया है, उसके मूल में अर्थ ही तो है। अगर मैं चुपचाप अपने दायरे में वापस लौट जाऊं, तो सब कुछ सहज और शांत हो जाएगा, और मैं उस अर्थ जगत से वापस लौट आई मौसी। कृष्णा का स्वर हिचकियों में डूब गया था। मौसी धीरे धीरे उसकी पीठ पर अपना हाथ घेरती कह रही थी, तू क्यों करती है परवीन? इस एकाकी पथ पर केवल तू या मैं नहीं, एक कारवां चल रहा है लगातार। अपने अकेलेपन की बैसाखी थामे उस अंतिम यात्रा के लिए प्रतीक्षारत, चल तुझे गीता का सार पढ़कर सुना। कृष्णा अपनी भीगी आंखों को पोंछती मौसी को सहारा देकर उठाने लगी। ये कहानी जनपथ में छपी थी 11 सितंबर 2015। और दोस्तों, मैं दो बातें कहना चाहती हूँ कि मुझे शिवानी की एक कहानी याद आई, दो सखियाँ या दो सहेलियाँ, जिसमें दो सहेलियाँ जो ओल्ड एज होम में रहती हैं, उनका त्रास दिखाया गया है। और उसका एक वाक्य, ये कहानी मैंने हाई स्कूल में पढ़ी थी, उसका वाक्य मुझे याद है। एक उनमें से एक शायद, या पता नहीं, हो सकता है दूसरी कहानी, उदार उदरी भी कुछ लेता है, प्राण हर लिए और कंगन लौटा दिए, कोई उनमें से एक आत्महत्या कर लेती है, ऐसा कुछ उस कहानी में है। खैर जो भी हो, तो इस पे तो बहुत सी कहानी, मोहन राकेश की एक कहानी है 8x4 का कमरा अद्भुत, इस कहानी को पढ़कर एकदम द्रवित हो गया मन। और मैं ज़रा सा एक बात और कह दूँगी अपने गुरुओं को समर्पित करते हुए, बहुत से स्पीच और अपने गुरुओं की याद आई है, शुक्र जी, अशोक वाजपेयी जी, और कवियों की वो लंबी गौरवशाली फहरिस्त जो जिनको पढ़कर हम बड़े बड़े हुए, अगे और तमाम गुरु पूर्णिमा पर इस उच्चारण तो एकदम गया हैं। गुरु पूर्णिमा पर आप सबको प्रणाम है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आशा है कि पूर्ण मौसम पसंद आएगा, और आप सबको हार्दिक आभार दोस्तों।